खबर फरुखाबाद से है, जहां पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस पर आरोप लगाकर युवक ने मोहल्ले में दीवारों पर पोस्टर चिपकाए। वही युवक ने कई एसएचओ और दारोगा को गुंडा बताया। पुलिस पर सार्वजनिक स्थल पर कब्जा करवाने का भी आरोप लगाया है और पोस्टर पर युवक ने स्लोगन लिखे, गली गली में शोर है, यूपी पुलिस चोर है, गुंडा है। युवक ने भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुनील पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ लगातार सरकार द्वारा और पुलिस के द्वारा हमारा उत्पीड़न किया गया, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। हमें लूटा गया, पुलिस के द्वारा मारा गया, झूठे मुकदमे लगाए गए। उसके अलावा ये सार्वजनिक स्थल है, हमारे समाज और परिवार के लोग पहले इसमें धार्मिक कार्य किया करते थे और सामाजिक कार्य किया करते थे। सार्वजनिक ज़मीन थी और धीरे से लोगों ने जो है उस पर कब्जा करके स्कूल बना लिया, कहीं किसी ने गेस्ट हाउस बना लिया, कहीं कुछ करके पूरा कब्जा करके अपना अपना व्यापार चला रहे हैं सभी लोग। ये सार्वजनिक स्थल था, सभी लोग यहाँ खेलते थे, बड़े बुजुर्गों के बैठने उठने के लिए, टहलने के लिए और सारी चीज़ों कामों के लिए व्यवस्थाएं थी। अब उन सबको इसमें आना जाना बंद है। मैं इस बात का मुद्दा इससे पहले भी 2-3-4 साल पहले भी उठा चुका हूँ, सभी अधिकारियों के पास लगातार बात चुका हूँ, लेकिन अधिकारी सभी सत्ता पक्ष के लोगों से मिले हुए हैं और वो मिलकर मुझे मारने की धमकी या मुझे सताना, प्रताड़नाएँ करना, ताकि जो है ये इसका मुद्दा ना उठा सके। कन्नौज के एलएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 की छात्राओं का प्रैक्टिकल चल रहा था। प्रैक्टिकल के दौरान 38 छात्राएं और अध्यापक भी मौजूद थे। इसी बीच केमिकल को मिलाने के दौरान अचानक लपटे उठी, जिसकी चपेट में आकर 5 छात्राएं बुरी तरीके से झुलस गई हैं। आनन फानन में छात्राओं को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना की जानकारी मिलते ही परिजन भी स्कूल पहुंच गए, जहां गंभीर हालत में छात्राओं को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया।